हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सर्टिफिकेट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, पावर ऐसी थ्योरी के पार्ट 7 में मैंने आपको बच्चों तीन क्वेश्चन हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले अपने इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया था बच्चों आपको शरीर धारण से सर्किट का, जिसमें आपके पास प्रतिरोध मान 8 ओम का, प्रेरकत्व का प्रेरक प्रतिघात 10 ओम और दारिद्र्य प्रतिघात का मान आपको 4 ओम दिया गया था बच्चों। तो सबसे पहले प्रतिबाधा जेड का मान याद करें। देखिए बच्चों, शरीर धारण से प्रतिबाधा है बच्चों जेड बराबर मैंने पढ़ा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का रूट। तो मान लीजिए बच्चों जेड बराबर का देखो 8 का वर्ग प्लस एक्सएल का मान आपको दिया गया बच्चों 10 माइनस 4 का वर्ग, तो जेड बराबर पास प्राप्त होगा बच्चों इसमें 64 प्लस 36 का रूट 10। तो तुल्य प्रतिबाधा का मान आपको प्राप्त होगा बच्चों इसका 10। अब देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट आपको इसमें दिया था बच्चों प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा I बराबर आरोपित वोल्टता V बटा में Z। आरोपित वोल्टता बच्चों 200 वोल्ट दी गई, प्रतिबाधा आपको 100, तो प्रवाहित धारा का मान पास प्राप्त हो बच्चों VC। तीसरा पूछा गया बच्चों आपसे यहां से शक्ति गुणा cos Y बराबर आपको है R बटा में Z, प्रतिरोध का मान आपके पास 8 ओम है, प्रतिबाधा 10 है, तो पॉइंट है। चौथा पूछा गया था बच्चों आपको वास्तविक शक्ति खपत, वास्तविक शक्ति खपत पी आई स्क्वायर गुणा में आर, या मैंने आपको बताया तो पी बराबर दिया कॉस फाइव से आप निकाल सकते हैं। तो आई स्क्वायर प्रवाहित धारा पास प्राप्त होगा जो 20 इंच है, 20 का वर्ग, प्रतिरोध में पास होता है बच्चों 8 ओम, तो पास हो गया बच्चों 400 गुणा में 8 3200 वाट या 3.2 किलो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप यहां पर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने पूछा था बच्चों आपसे प्रतिघाती शक्ति खपत, प्रतिघाती शक्ति खपत, प्रतिघाती शक्ति खपत क्यू बराबर आई स्क्वायर गुणा में एक्सएल माइनस एक्ससी। तो क्यू बराबर 20 का वर्ग, एक्सएल माइनस एक्ससी का मान प्राप्त होगा बच्चों इसमें 6 ओम, तो क्यू बराबर 400 गुणा में 6 2400 वी ए आर। इकाई जरूर याद रखें बच्चों, पर परिपथ की आवासी शक्ति का पद देखिए बच्चों, लास्ट परिपथ की आवासी शक्ति, परिपथ की आवासी शक्ति का पद एस बराबर आई स्केल गुणा में जे 20 का वर्ग गुणा में प्रतिवाद पा सकते हैं बच्चों 10, 400 गुणा में 10 4000 या 4 नोट कर लीजिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों आपको श्री जाल से परिपथ का, इसमें आपको कुल आरोपित वोल्टता का मान याद करना था, प्रतिरोध आर की सिरों पर उत्पन्न मात्र का मान 120 वोल्ट दिया गया बच्चों, प्रेरक एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान आपको दिया गया था बच्चों 200 वोल्ट और संधारित्र सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान दिया गया बच्चों आपको 40। पूछा गया था बच्चों कुल आरोपित वोल्टता Vx, कुल आरोपित वोल्टता Vx क्वेश्चन नंबर
हल करते हैं बच्चों, देखें इस क्वेश्चन को। और देखिए बच्चों, श्री आरोप से परिपत्र में कुल आरोपी कोण का वी एस बराबर बने पड़ा बच्चों, वी आर स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्केयर का रूट। तो बाहर रख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आप प्रतिरोध के स्लोप पर 120 वोल्ट का विभवांतर है, इन दोनों का अंतर देखिए बच्चों 200 माइनस 40 का वो है। अगर आप बच्चों से सोल्व करते हैं तो आरोपी तोड़ का मान प्राप्त होगा बच्चों आपको 200। तो वी एस का जो मान प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पे कुल आरोपी तोड़ का कितने देखिए बच्चों 200। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, स्क्रीन शॉट ले लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछी थी बच्चों, वास्तविक शक्ति के ऊपर, परिपथ की वास्तविक शक्ति ये मार से पूछा गया बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया था बच्चों विभवांतर V बराबर आपको दिया गया था 100 sin 100 t, और प्रवाहित धारा आपको दी थी बच्चों 100 sin 100 t प्लस पाई बाय मिली। ठीक है बच्चों, अगर आपसे इस परिपथ के बारे में पूछा जाए तो धारा आपको बच्चों आगे चलती है प्लस पाई बाय 3 आगे चलती है, तो आपका सर्किट क्या है कैपेसिटिव है, कैसा है बच्चों कैपेसिटिव। अब देखिए बच्चों, आपको पूछी गई इस परिपथ की वास्तविक शक्ति कब है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको फेज कलांतर निकालना बच्चों, फेज कलांतर से आप पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो फेज कलांतर देखिए बच्चों पास क्या है, ये 100 पे ये अपने पास क्या है ओमेगा टी पे दिए पाई बाय 3 आगे है, यानी जो फेज कलांतर है बच्चों इसमें अगर आरोपी कोणता आपकी ओमेगा टी पे दे तो आपकी जो प्रवाहित धारा है बच्चों पाई बाय 3 आगे है, पाई बाय 3 का मतलब बच्चों 60 डिग्री, और धारा और वीएल वोल्टेज के बीच की कौन सा क्या कहलाती है बच्चों शक्ति गुणा कोस 60 बराबर कितना होता है 1/2, यानी परिपथ का जो शक्ति गुणा है बच्चों वो अपने पास कितना है 1/2 अग्रगामी गुण। तो P बराबर देखिए बच्चों वास्तविक शक्ति बराबर क्या है, P बराबर VI cos y, मान दीजिए बच्चों अधिकतम मान सकता दिए 100, धारा का अधिकतम मान आपको कितना दिया बच्चों 100, परंतु एक इसमें दिया बच्चों मिली में 10^-3 से गुणा कर दिया, पावर फैक्टर का मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3 ये कैंसिल होगा बच्चों 10/2 आंसर प्राप्त होगा बच्चों आपको। कई बच्चों ने बहुत सही आंसर भेजे इसके बच्चों, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बच्चों आप कोशिश करें क्वेश्चन को सोल्व करने की और रिप्लाई जरूर करें। आज अपन बात करेंगे बच्चों एसी थ्योरी पार्ट एट स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अपन श्रेणी आर एल श्रेणी आर सी श्रेणी आर एल सी परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं, इस बार अपन इस पार्ट में बच्चों अपन पढ़ेंगे समांतर आर एल समांतर आर सी और समांतर आर एल सी परिपथ के बारे में, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों सीरीज समांतर आर एल, तो पहला जो अपन आज स्टार्ट करें बच्चों समांतर आर एल परिपथ, समांतर आर एल परिपथ। जब भी समांतर की बात होती है बच्चों समांतर में हमेशा आपको याद रखना है समान श्रेणी संयुक्त होते हैं, और समांतर में आरोपी तोड़ का मान क्या रहता है बच्चों समान रहता है। तो बच्चों अपन समांतर आर एल परिपथ की बात करने जा रहे हैं बच्चों, देखिए एक प्रतिरोध आर और एक चौक कोई जिसका प्रेणी प्रतिघात मान एक्स एल है, इसका प्रतिरोध हो सकता है आर है, प्रत्यावर्ती वोल्टता ई, वोल्टता का मान पढ़ने के लिए बच्चों ई के समांतर क्रम में संयोजित हो बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें जो प्रवाहित आ रहा है अपने मान ली बच्चों आई आर, यहां अपने बच्चों मान ली आई, और कुल धारा जो प्रवाहित होगी बच्चों वो अपने पास होती
अब देखिए बच्चों, अगर समांतर आ रही परिपथ है तो अपन पास जो कुल ये धारा ज्ञात करते हैं बच्चों पर, इस कुल धारा को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली अपने पास बच्चों प्रवेशता विधि और दूसरे अपने पास है जो फेजर जोड़ विधि। तो बच्चों देखें, इस प्रकार के परिपथ में कुल धारा दो विधियों से ज्ञात की जा सकती है, दो विधियों से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो पहले मेरे पास तो प्रवेशता विधि, इंग्लिश में बोलते हैं तो एडमिटेंस, एडमिटेंस प्रवेश का। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अपने सीरीज आरएल सर्किट में जो अपने पढ़ा था बच्चों, तो सीरीज आरएल सर्किट में अपने धारा क्या लिखा था बच्चों, देखिए कुल धारा आई बराबर अपने वहां पढ़ा था बच्चों E बटा में J। ठीक है, सीरीज आरएल सर्किट की बात करें, वहां अपने E को VS मानते हैं बच्चों, सप्लाई वोल्टेज अपने यहां E मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें इसे अपने इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, E गुणा में एक बटा में J, E गुणा में एक बटा में J। अब देखिए बच्चों, एक बटा जेड, एक बटा जेड समतुल्य होगा प्रवेशता वाई के। प्रवेशता को देखिए बच्चों, जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, उसी प्रकार प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों प्रवेशता होती है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या देखिए बच्चों, प्रवेशता है ठीक है बच्चों, वो प्रतिबाधा का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो नोट कर लिया बच्चों, यहां से प्रवेशता वाई प्रतिबाधा जेड का व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम है बच्चे, और प्रवेशता के जो इकाई अपने पास क्या होती है, वो होती है बच्चों महो। अब देखिए बच्चों, अपने यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों, अगर मैं ए बटा जेड के क्या वाई लिख देता हूं बच्चों, आई बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, ई गुणा में वाई, ई गुणा में वाई। और अगर अपन वाई का मान ज्ञात करना चाहें, प्रवेशता का मान ज्ञात करना चाहें बच्चों, तो अपन सूत्र लेंगे आई बटा में ई, और इकाई अपने क्या पड़ेगी बच्चों, मोह। तो प्रवेशता वाई बराबर क्रॉस क्या प्राप्त हो जो आई बटा में ई, यानी कुल प्रवाही धारा बटा में आरोपित वोल्ट का। तो प्रवेश का वाई बराबर पास प्राप्त होगा बच्चों, कुल प्रवाहित धारा कुल प्रवाहित धारा बटा में आरोपित वोल्ट। और धारा तो प्राप्त करेंगे जो वो अपन करेंगे फेजर से। ठीक है बच्चों, किसे अपन करेंगे, अपन फेजर से। आप कुल फेजर धारा लिख सकते हैं बच्चों, कुल फेजर धारा लिख सकते बच्चों, फेजर धारा बटा में आरोपित वोल्ट। ठीक है बच्चों, एक बार और रिपीट कर लेते बच्चों, तो अपन इस प्रकार के प्रवेश बच्चों, अगर अपन कुल धारा ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों, तो अपन दो विधियों से ज्ञात करें। पहले अपन बात करें प्रवेशता विधि से, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों फेजर विधि। तो एडमिटेंस विधि में अपन क्या लिखा बच्चों, आई बराबर अपन क्या पढ़ा है, ई बटा में जेड। अपने यहां क्या लिखा बच्चों, ई को अलग लिख दिया एक बटा जेड। अब एक बटा जेड बराबर किसके बच्चों, प्रवेशता वाई के। प्रवेशता वाई प्रतिबाधा जेड का क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रम होती है। तो अपने यहां क्या लिखा बच्चों, आई बराबर ई गुणा में वाई।
इसे बटे जेट में जो जानकारी के बटे वही अपन को प्रवेश का कार्य नहीं बचो प्रवेश का प्रावधान क्या होगा आई बटा हमें ये और अपने क्या लेते बचो यानी प्रवेश का वही प्रावधान क्या होगा कुल फेजर धारा बटा हमें आरोपी दे नोट कर लीजिए बच्चे इसको स्क्रीन शॉट लीजिए अपन प्रवेश का मान क्या प्रश्न है बच्चों इसी प्रकार अपन परिपत्र कुल चालकता और व्यापकता का मान भी अपन ज्ञात अपना जो पहला संबंध प्राप्त हो बच्चों देखिए प्रवेश था वाई बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों कुल प्रवाही धारा आई बटा में आरोपित वोल्टता ई वो इकाई अपन क्या लिखेंगे बच्चों बहु अब देखिए बच्चों अपन को इस परिपथ में चालकता और व्यापकता का मान भी अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों इसमें देखिए अगर अपन बात करते हैं सीरीज आरएल परिपथ के अपने पढ़ा तो बच्चों देखिए तो सीरीज आरएल परिपथ में देखिए प्रतिरोध से 90 डिग्री पे अपने बनाया था बच्चों दायित्व प्रतिघात एक्स है प्रेरित प्रतिघात एक्स है और यहां पे अपने लिखा था बच्चों जेड ये कौन अपना प्राप्त हो जो फाइव। अब देखिए बच्चों अगर अपन इसके समतुल्य परिपथ बनाते हैं बच्चों तो बच्चों देखिए आर का व्युत्क्रम जो होगा वो अपने पास क्या होगा जी जिसे अपन बोलते हैं बच्चों चालक आर का जो व्युत्क्रम होगा वो अपने पास क्या होगा बच्चों जी जिसे अपन बोलेंगे चालकता इकाई इसकी भी क्या होगी बच्चों महो में। इसी प्रकार बच्चों दायित्व प्रतिघात या प्रेरित प्रतिघात इसका व्युत्क्रम होगा व्यापकता प्रदर्शित करते हैं बच्चों बी से एक बटा में एक्स एक बटा में एक्स और अभी अपने पढ़ा बच्चों प्रतिपादक का जो व्युत्क्रम है वो अपने पास क्या बच्चों चालक तो वाई बराबर अभी अपने पढ़ा बच्चों वन बटा में जे मैं बच्चे यहां लिख देता हूं बच्चों देखिए चालकता जी व्युत्क्रम बच्चों प्रतिरोध का इकाई अपने पास प्राप्त बच्चों महो व्यापकता इंग्लिश में बोलते बच्चों सस्पेंस बी व्युत्क्रम बच्चों अपने पास एक्स का अब ये एक्स एल भी हो सकता है एक्स सी भी हो सकता है बच्चों इसकी इकाई जो अपने पास प्राप्त बच्चों महो होगी चाहे प्रवेशता हो चाहे चालकता हो चाहे व्यापकता तीनों की इकाई अपने पास प्राप्त बच्चों महो क्योंकि तीनों की प्रतिरोध इकाई अपने पास क्या बच्चों ओम है तो ओम का जो प्रतिरोध व्युत्क्रम होगा वो अपने पास क्या बच्चों होगा। अब देखिए बच्चों अपन को यहाँ से बी और जी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों इस परिपथ में अपने cos phi बराबर पढ़ा था आर बटा में जी और अगर अपन यहाँ से देखें बच्चों इस त्रिभुज से बात करें cos phi बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों जी बटा में वन ये cos अपने पास क्या बच्चों आधार बटा में करंट जी बटा में वाई। अब देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या प्राप्त करनी है अपनी जी चालकता बराबर होगा वाई cos वाई वाई cos वाई। अब देखिए बच्चों वाई को अपन क्या लिख सकते हैं एक बटा में जेड और cos वाई को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं आर बटा में जेड cos y बराबर अपन लिख सकते हैं बच्चों r बटा में j। तो मैंने यहां मान पुट करते हुए देखिए तो चालकता g बराबर 1 बटा में j और cos y टर्म में लिख देते हैं बच्चों r बटा में j r बटा में j। अब इसको देखो g बराबर चालकता g बराबर पास हो जो r बटा में z का स्क्वायर r बराबर और z स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों r स्क्वायर प्लस xl का तो जो चालकता प्राप्त हुई बच्चों उस चालकता को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं जो r बटा में r स्क्वायर प्लस xl का वर्ग z स्क्वायर बराबर जो अपने पास है देखो z स्क्वायर बराबर बटा बच्चों r स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर।
एक बार और देख लीजिए बच्चों, अपने चालकता का मार्ग सूत्र का इसमें ज्ञात किया बच्चों, देखिए ये अपने श्री धारा के परिपथ में पड़ा बच्चों, ये इसका जो व्युत्क्रम है वो अपने पास क्या बच्चों, समांतर आ रहा है, यानी शरीर आर्यन का व्युत्क्रम अपने पास क्या बच्चों, समांतर आ रहा है। यहाँ अपने बच्चों देखिए कोश फाइबर पड़ा था आर बटा में जेड, यहाँ पर कोश फाइबर पड़ेगी बच्चों जी बटा में वाई, चालकता बटा में प्रवेश, ठीक है बच्चों। और चालकता व्युत्क्रम है अपने पास प्रतिरोध का, इसी प्रकार व्यापकता व्युत्क्रम बच्चों प्रतिघात, ठीक है बच्चों। तो G बराबर मैंने क्या लिख दिया यहाँ से देखिए बच्चों, G बराबर मैंने क्या लिख दिया y cos y, मैंने इसको वज्र गुणा कर दिया बच्चों y cos y, और y बराबर किसका व्युत्क्रम बच्चों, एक बटा में z का, cos अपने पास है r बटा में z, तो चालकता G बराबर r बटा में z स्क्वायर, गुणा मैंने करने के बाद r z स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया बच्चों, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अपने पास दूसरा जो फॉर्मूला अपने पास बच्चों, चालकता का प्रतिरोध और प्रणिघात प्रतिघात के रूप में आपको प्राप्त हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसको, तो बच्चों देखें चालकता जी बराबर अपने पास प्राप्त हो बच्चों आर बटा में आर स्केल प्लस एक्सएल स्केल, आपको इकाई क्या करनी है बच्चों, हो जाए बच्चों प्रवेशता प्राप्त कर सकते हैं पर चालकता प्राप्त कर, अब अपन देखिए बच्चों व्यापकता का मान ज्ञात करें, देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों अगर अपन इस परिपथ में साइन फाइव बराबर लिखते हैं साइन फाइव, तो साइन फाइव अपने पास क्या बच्चों लब बटा में करंट, अपने पास क्या बच्चों एक्सएल बटा में, तो साइन फाइव बराबर पास प्राप्त होगा एक्सएल बटा में जेड। अगर अपन इस त्रिभुज की बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, तो साइन फाइव जो प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा बच्चों बी बटा में वाई, बी बटा में वाई व्यापकता का मान प्राप्त बच्चों ज्ञात करना वजन गुणा कर दीजिए बच्चों इसको, तो बी बराबर प्राप्त हो बच्चों को वाई साइन फाइव, अब वाई का मान के पास कितना बच्चों एक बटा में जेड, वाई बराबर के पास क्या बच्चों एक बटा में जेड, और साइन फाइव बराबर के पास क्या बच्चों एक्सएल बटा में जेड, तो पुट कर दिया बच्चों इसमें मान एक बटा में जेड, और साइन फाइव का मान कर दिया बच्चों एक्सएल बटा में जेड, गुणा कर दीजिए बच्चों इसको b बराबर एक्सएल बटा में जेड का वर्ग, एक्सएल बटा में जेड का वर्ग, और जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों एक्सएल बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इकाई अपन याद रखें बच्चों। तो बच्चों देखें एक बार और समझ लें बच्चों इसको, इस परिपथ में अपने साइन फाइव बराबर अपने क्या लिखा एक्सएल बटा में जेड, इस समकोण त्रिभुज में अपन लिखेंगे बच्चों साइन फाइव बी बटा में वाई, इसको वज्र गुणा कर लिया तो b बराबर पास प्राप्त होगा y sin phi, y बराबर को पुट कर दिया बटा में z, और sin बराबर को लिख दो xl बटा में z, गुणा करने पर प्राप्त होगा xl बटा में z स्क्वायर, और z स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, अपने पास इकाई प्राप्त होगी बच्चों। तो बच्चों अपने देखे बच्चों इस परिपथ की प्रवेशता चालकता व व्यापकता का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों यहां तक अपने पास क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए बच्चों, देखिए व्यापकता b बराबर प्राप्त होगा बच्चों एक्सएल बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वर्ग, इकाई अपने पास कही बच्चों। तो समांतर परिपथ में बच्चों देखिए प्रवेशता चालकता व्यापकता तीनों की इकाई अपने पास क्या होती है बच्चों भो होती है, प्रवेशता प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है, प्रवेश का प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है, चालकता का
प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम। और इसी प्रकार व्यापकता प्रतिघात का व्युत्क्रम होती है। चौथा निष्कर्ष हमारे पास है जो वाई जी व डी तीनों की इकाई महो होती है। तीनों की इकाई महो होती है। नोट कर लीजिए बच्चों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अपन फेजर विधि से इसमें कुल प्रवाही धारा I का मान ज्ञात करें। दूसरी विधि अपने पास पड़ी है फेजर विधि। फेजर अब देखिए बच्चों, समांतर आर्य परिपथ में आरोपित वोल्टता का मान क्या होगा? जो समान होगा, यानी यहां पे भी जो उत्पन्न वोल्टता होगा वो ई होगी। इसके सिरों पे भी उत्पन्न वोल्टता का मान पास क्या होगा? जो ई होगी। तो अपन फेजर डायग्राम बना के बच्चों देखें। ये आरोपित वोल्टता का मान पास क्या होगा? जो समान होगा। अब देखिए बच्चों, अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में प्रवाही धारा व उत्पन्न वोल्टता के बीच में फेज का लंबन बच्चों के पास कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। तो बच्चों देखें, ये प्रवाही धारा आई आर आरोपित वोल्टता के इन फेज होगी, परंतु ये जो धारा आई एल होगी बच्चों वो इस उत्पन्न वोल्टता से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों? पश्चगामी होगी। पश्चगामी का मैंने आपको बताया था, जब भी आपको पश्चगामी देखना हो तो आप इसे क्या घुमाएंगे बच्चों? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आप बच्चे, ये जो आरोपित वोल्टता होगी प्रवाही धारा आई एल होगी वो इससे 90 डिग्री क्या होगी बच्चे? बच्चों पश्चगामी होगी। अब देखिए बच्चों, अगर इनका अपन फेजर जोड़ करते हैं, इन दोनों धाराओं का अगर अपन फेजर जोड़ करते हैं बच्चों, तो कुल धारा आई प्राप्त होगी। कुल धारा आई प्राप्त होगी। ये कुल धारा हमारे पास क्या होगी बच्चों? आई प्राप्त होगी। ये अपन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? संपूर्ण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर अपन संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों, कुल धारा आई, कुल धारा आई का वर्ग बराबर होगा बच्चों आई आर स्केर प्लस आई एल स्केर के वर्ग। तो आई बराबर होने पर प्राप्त होगा बच्चों आई आर स्केर प्लस आई एल स्केर का। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, एक बार और समझिए बच्चों। देखें, कुल आरोपित वोल्टता का मान अपने पास क्या बच्चों? ई है। जो अपने पास का बच्चों समान होगा, प्रतिरोध में प्रवाही धारा इसके इन फेज दिखाएगी बच्चों, और प्रेरक में जो प्रवाही धारा होगी वो इस आरोपित वोल्टता से क्या होगी? 90 डिग्री का बच्चों पश्चगामी। इन दोनों का फेजर जोड़ प्रदर्शित करेगा कुल धारा आई को। कुल धारा आई का वर्ग बराबर आई स्केयर प्लस आई एल स्केयर। अगर अपन इसका स्केयर अटैक करते हैं क्या बच्चों? रूट आई आर स्केयर प्लस आई एल स्केयर के बराबर। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों एक आरएल सर्किट का, ताकि आपको अच्छे समझ में आए इसको, किस प्रकार आपको मान याद करने हैं। अब देखिए बच्चों, ये एक आपको आरएल परिपथ दिया गया बच्चों, इसमें प्रतिरोध का मान आपको दिया गया बच्चों 11.25, और प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का मान आपको दिया गया बच्चों 15 ओम।
आरोपित वोल्टता का मान आपको दिएगा बच्चों 225 वोल्ट, 225 वोल्ट। ठीक है बच्चों, एक समांतर आरोप प्रतिपथ दिया गया जिसमें प्रतिरोध आर का मान आपके पास कितना बच्चों 11.25 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का मान आपके पास 15 ओम है, आरोपित वोल्टता ई का मान आपके पास 225 वोल्ट दिया गया। अब देखिए बच्चों, इस परिपथ में आपको कुल धारा, प्रवेशता, चालकता, व्यापकता का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात देखते हैं, अगर अपन इस परिपथ में कुल धारा आई का मान ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों, देखिए बच्चों सबसे पहले प्रवाही धारा आई आर का मान देखते हैं, प्रतिरोध में प्रवाही धारा, कुल आरोपित वोल्टता बच्चों आपके पास क्या है, ई बटा प्रतिरोध अपने पास कितना बच्चों आर, 225 भाग 11.25। तो प्राप्त धारा का मान आपके पास प्राप्त होगा बच्चों बीस एम्पीयर, यानी प्रतिरोध आर में से प्रवाहित धारा आपके पास कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों 20 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, प्रेरक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई ई बटा में एक्स 225 भाग 15 कितने फिर बनाते बच्चों आपको 15 एम्पीयर। अब देखिए बच्चों, अब अपन इसमें केसी नहीं लगा सकते बच्चों, कहीं आप अगर आप डीसी थ्योरी की तरह आप कैसे लगा देते बच्चों, इस प्रकार यहाँ आपको 15 एम्पीयर प्राप्त होगा तो यहाँ आपके पास 20 एम्पीयर प्राप्त होगा, तो यहाँ अपने दोनों का जोड़ अपने पास 35 एम्पीयर अपने नहीं लग सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपने पास क्या बच्चों फेज कलांतर है और डीसी में फेज कलांतर नहीं होता। तो अपने पास देखिए बच्चों, अभी जो अपने धारा का फॉर्मूला प्राप्त किया फेजर विधि से, कुल धारा आई बराबर होगा आई आर का वर्ग प्लस आई एल का वर्ग का रूट। अब आप मान लीजिए बच्चे यहां पे 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, अगर आप सोल्व करें बच्चों तो कुल धारा प्राप्त होगी आपको 25 एम्पीयर, कुल धारा प्राप्त होगी बच्चों 25 एम्पीयर। दोबारा देख लीजिए बच्चों, यहां 20 एम्पीयर, यहां पास क्या बच्चों 15 एम्पीयर, अपने कुल धारा प्राप्त करके बच्चों आई बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर का रूट, अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो कुल धारा प्राप्त होगी बच्चों आपको 25 एम्पीयर। अब देखिए बच्चों, अपन को परिपथ की प्रवेशता का मान ज्ञात करना, आपसे पूछा गया कि परिपथ की प्रवेशता का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चों, परिपथ की प्रवेशता, परिपथ प्रवेशता y बराबर अपने क्या बना बच्चों कुल धारा i बटा में आरोपित वोल्टता e, कुल धारा का पास कितनी प्रवाहित हो रही है बच्चों इसमें देखें, कुल धारा प्रवाहित हो रही है 25 एम्पीयर, आरोपित वोल्टता का मान कितना बच्चों 225, सोल्व करिए 1/9 ओम, 1/9 ओम, यानी इस परिपथ की कुल प्रवेशता का मान कितना होगा बच्चों 1/9 होगा। और अगर प्रतिबाधा पूछे तो इसका क्या बच्चों व्युत्क्रम हो जाए, तो प्रतिबाधा अपने पास क्या होगा बच्चों जेड बराबर वाई, तो अपने पास बच्चों 9। और अगर प्रतिबाधा पूछी जाती है बच्चों, तो अपने प्रतिबाधा प्राप्त होगी बच्चों वो होगा इसका जेड बराबर 1/9 वाई, ये अपने पास प्राप्त होगा बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने को बच्चों इस परिपथ की चालकता में प्रवेशता का मान आपको ज्ञात करना, तो देखिए बच्चों परिपथ की चालकता, परिपथ की चालकता और चालकता को प्रदर्शित करें बच्चों अपन जी से, इसका अपने जो फॉर्मूला प्राप्त किया था वो किया था बच्चों आर बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसमें प्रतिरोध का मान पास कितना है 11.25 ओम, मान लीजिए बच्चों 11.25
11.25 का ओवर एक्सेल का मान पास करता है बच्चों इसमें 15 का ओवर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो आपको जो चालकता प्राप्त होगी बच्चों जी बराबर 0.032। तो परिपथ की जो चालकता होगी बच्चों वो भी 0.032। अब हम क्या करें बच्चों परिपथ की व्यापकता, परिपथ की व्यापकता डी बराबर बटा बच्चों एक्सेल बटा एक्सेल का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। मान लीजिए बच्चों इसमें एक्सेल का मान आपको दिया गया 15, 11.25 का वर्ग प्लस 15 का। अगर आप इसको सोल्व करते हैं जो आपको व्यापकता प्राप्त होगी वो होगी बच्चों 0.042। तो आरएल परिपथ में बच्चों अपने परिपथ की कुल धारा प्रवेशता चालकता व्यापकता का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। आप अच्छे से समझे क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। आप आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों होमवर्क की। क्वेश्चन जरूर करें बच्चों, क्वेश्चन जरूर करने के बाद रिप्लाई आप जरूर करें। एक समांतर आरएल परिपथ में चौक पॉइंट को 240 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज के समानांतर में संयोजित किया गया है। तो याद करें ऑप्शन ए कुल प्रवाहित धारा परिपथ प्रवेश का परिपथ चालकता परिपथ या पर मेरा क्वेश्चन कौन है बच्चों। एक सीरीज आ रही है परिपथ क्या क्या बच्चों प्रतिरोध आर किस रूप में उत्पन्न विभवांतर का मान 12 वोल्ट है।
कैपेसिटर सी के सिरों पर 15 अंतर का मान 16 वोल्ट। आपको कुल आरोपित प्रतिरोध बी का मान परिपथ में कुल आरोपित प्रतिरोध बी का मान ज्ञात है। मान ज्ञात है। ये दोनों क्वेश्चन कुछ आपको हल करने, वो हल करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करिए बच्चे। आपका बहुत बहुत है।